दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.5 वर्ष में विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब 10 जुलाई को जनता करारा जवाब देने को तैयार बैठी है। भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एरिया में संस्थानों को बंद करके साफ कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार जन विरोधी है और फिर से उपचुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हिमाचल सरकार है ये इतनी निकम्मी सरकार है, हर फ्रंट पर फेल हुई है। अब अगर बिजली की बात ले लीजिए, हिमाचल में पूर्व की भाजपा सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में उन्होंने जहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारी, नए नए ट्रांसफार्मर लगाए, नए नई परियोजना बिजली की लाए, बिजली बहुत अच्छी सुचारू रूप से चलती थी, कट बिल्कुल नहीं लगते थे। और यही नहीं, उस टाइम की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री भी की थी गरीबों के लिए, बहुत से लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु जो वर्तमान की सरकार जो आई है, कांग्रेस की सरकार, ये एक ऐसी झूठी गारंटी देके आई है कि हम आते ही बिजली जो है 300 यूनिट फ्री कर देंगे, बिजली बहुत अच्छी रहेगी। तो 300 यूनिट फ्री करने की बात तो बहुत दूर है, इनको पता है कर नहीं पाएंगे ना इन्होंने करनी है, बल्कि उल्टा इतने कट लग रहे हैं। मुझे लगता है बिजली ये फ्री तो लगवा था, 300 यूनिट 125 भी बंद करने जा रहे हैं, ऐसा पता लगा है। कहते बोर्ड का बहुत बुरा हाल है, 125 यूनिट है, पूरी फाइल तैयार है कैबिनेट की, जैसे आचार संहिता खत्म होगी 125 यूनिट जो फ्री है वो भी खत्म कर देंगे। और जो कट है दिन में 8-8, 10-10 कट लग रहे हैं, इससे किसान भाई परेशान है ट्यूबवेल जाम के, सिंचाई के। और यही नहीं, जो डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता वो परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। जब इंडस्ट्री यहाँ से चली जाएगी तो जो हज़ारों युवा जो इंडस्ट्री में लगे वो बेरोज़गार हो जाएंगे, इस पर लोगों को रोज़गार मिले। ट्रक यूनियन जो है उसके ट्रक्स जो है, जब इंडस्ट्री प्लान कर जाएगी तो उसके बाद वो ट्रक भी बेकार हो जाएंगे, तो हर थर्ड जो परिवार है ट्रक से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मुझे लगता है इस कारण अपन कमी है, और ये आने वाले समय में इस हिसाब से सरकार जाने वाली है। तो मेरा बिजली के बारे में यही कहना है, और आगे हर फ्रंट सरकार फिर आगे बढ़ पाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।